चार घंटे में पांच दिन का मैच खत्म। चाय में पूरी अफगानी टीम पहली बार आउट। चाय के बाद दूसरी बार अफगानी ढेर। ऐतिहासिक टेस्ट में हिंदुस्तान ने रचा इतिहास। दूसरे ही दिन अफगानिस्तान का काम तमाम। मैच से पहले बड़बोलेपन का मिला मैदान पर करारा जवाब। झुलस गया अफगानिस्तान जब गेंदबाजों ने दिखाई आग। भारतीय तेज गेंदबाजों को मिला इंग्लैंड से पहले अभ्यास। स्पिनर्स ने भी दिखाया कि वो क्यों हैं इतने खास। अफगानिस्तान को दो दिन में पटका, अब इंग्लैंड को देंगे उनके घर में घुसकर झटका। एक दिन में 24 विकेट और दो दिन में टेस्ट मैच खत्म हुआ। ये वाकई में काफी ऐतिहासिक टेस्ट मैच अफगानिस्तान के साथ साथ टीम इंडिया के लिए भी रहा, क्योंकि टीम इंडिया ने एक बड़ा इतिहास रच दिया है। और साथ ही साथ इस बड़े जीत की बहुत बड़ी बातें भी हम आपको बता दें कि दो दिन में बने 8 रिकॉर्ड इनिंग के लिहाज से टीम इंडिया की ये सबसे बड़ी जीत है। 2007 में बांग्लादेश को पारी और 239 रन से हराया था। और आपको यह बात बता दें कि इस पूरे टेस्ट मैच का रिपोर्ट कार्ड आप मेरे सामने अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। ऊपर नीचे लेफ्ट राइट पर जितने भी आंकड़े हैं इस टेस्ट मैच के, ये सब आपके टीवी स्क्रीन पर सामने दिख रहे हैं। पहली बार एक दिन में गेंदबाजों ने 20 विकेट लिए हैं। ये अपने आप में बहुत अहम चीज है, क्योंकि टेस्ट मैच का सीजन अब काफी है। पहली बार सिर्फ दो दिन में टेस्ट मैच जीती है टीम इंडिया। पहली एशियन टीम बनी है जिन्होंने ये टेस्ट मैच दो दिन के अंदर जीता है। दो दिन में बने हैं 8 रिकॉर्ड, दो दिन में टेस्ट मैच जीतने वाली पहली एशियाई देश है भारत। आप देख सकते हैं पूरे टेस्ट मैच का रिपोर्ट कार्ड, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट हर तरफ उमेश 100 टेस्ट विकेट लेने वाले 8वें भारतीय गेंदबाज बने। बहुत अहम रिकॉर्ड ये उमेश यादव के लिए। और अश्विन सर्वाधिक विकेट लेने वाले 4थे भारतीय गेंदबाज, जहीर खान को उन्होंने पीछे छोड़ा। 311 विकेट वाले जहीर खान को आज अश्विन ने काफी पीछे छोड़ दिया है। तो देखे आपने 8 बड़े बड़े रिकॉर्ड जो दो दिन के अंदर इस टेस्ट मैच में बने। काफी ऐतिहासिक जीत मिला टीम इंडिया को, और साथ ही साथ इस जीत से एक टीम और बहुत ज्यादा डर चुकी है। जी हां, मैं यहां बात कर रहा हूं इंग्लैंड की टीम क्यों डरी हुई है, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए आप। अफगानिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया के स्पिनर्स ने कुल 11 विकेट अपने नाम किए हैं। अगस्त में इंग्लैंड में गर्मी पड़ती है। इस वक्त इंग्लैंड में ज्यादातर शहरों का तापमान 25 से 19 डिग्री के आसपास होता है, और यकीन मानिए यहाँ इतना तापमान भारत में करीब 35 डिग्री के बराबर है। इंग्लैंड में जहाँ नवंबर दिसंबर के दौरान पिच में नमी और ठंडी हवा की वजह से तेज गेंदबाजों को मदद मिलती है, वहीं अगस्त के महीने में पिच सूख जाती है और स्पिनर्स ज्यादा हावी हो जाते हैं। पिछले 3 साल में अगस्त के महीने में इंग्लैंड में करीब 58% विकेट स्पिनर्स ने हासिल किए। अहम चीज ये है कि टीम इंडिया के गेंदबाजों ने 2 सेशन में एक ही टीम को 2 बार आउट किया है, चाहे हम स्पिनर्स की बात करें या फास्ट बॉलर्स की। और इसी वजह से हमने इस रिपोर्ट के जरिए आप सबको ये बताया है कि कितने कॉन्फिडेंट है यहां पर इंडियन टीम इंग्लैंड दौरे से पहले, और क्यों इंग्लैंड की टीम डरी हुई है। इस टेस्ट मैच से जुड़ी हर आंकड़े आप हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं। मेरे ऊपर नीचे लेफ्ट राइट हर तरफ है इस पूरे टेस्ट मैच का आंकड़ा। लेकिन इस टेस्ट मैच के दौरान एक चीज और हुआ, वो हुआ विराट कोहली और MS धोनी का यो-यो टेस्ट। क्या हुआ उस टेस्ट में, इस रिपोर्ट में देखिए आप। NCA बेंगलुरु में हुए यो-यो टेस्ट को पास कर लिया है विराट के साथ धोनी, रैना और भुवनेश्वर कुमार ने भी यो-यो टेस्ट पास कर लिया है। इंग्लैंड दौरे के लिए टीम में शामिल नहीं हुए केदार जाधव ने भी यो-यो टेस्ट में हिस्सा लिया और वो भी पास हो गए। यो-यो टेस्ट पास होने के लिए कम से कम 16.1 अंक की जरूरत थी। विराट की गर्दन और कंधे में परेशानी देखी गई है। IPL के दौरान विराट की गर्दन में इंजरी हो गई थी। आयरलैंड दौरे पर विराट तभी T20 सीरीज में खेलेंगे जब उनकी गर्दन की इंजरी पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। टीम इंडिया को आयरलैंड से 27 और 29 जून को 2 T20 मैच खेलना है। तो देखा आपने विराट कोहली और MS धोनी यो-यो टेस्ट पास हो चुके हैं, लेकिन अभी तक यह फैसला नहीं हुआ है कि क्या विराट कोहली आयरलैंड के दौरे पे जाएंगे या फिर सीधा जाएंगे इंग्लैंड। दरअसल आप सोच रहे होंगे कि आज हमारे शो में गेस्ट क्यों नहीं है, तो देखिए आप अपने स्क्रीन पर, यह है हमारे 2 खास गेस्ट। wahcricket.com ने एक कॉन्टेस्ट किया था IPL के दौरान, और अगर आपने सही जीत बताया तो आपको मिलेगा iPhone 6।
तो इसीलिए हमारे साथ आज ये दो खास मेहमान हिमांशु और शुभांश, और इन दोनों को मिल रहा है आईफोन 6। बहुत बहुत मुबारक हो आपको और आपको, वेल डन। कैसा लग रहा है आपको आईफोन 6? आईफोन 8 है ये, आईफोन 8 काफी अच्छा लग रहा है। क्या क्या किया था आपने, कैसे कैसे सारे सवालों के जवाब दिए थे आपने wacricket.com पे? टीम्स होती थी, सिलेक्ट करनी होती कि कौन जीतेगी कौन नहीं जीतेगी, तो वही है जो मैंने सिलेक्ट की वही जीती गई, तो मैं जीत गया फिर। चलिए आपने बताइए जरा कि wacricket वेबसाइट पे तो आपने जाके लॉग इन किया, आपने बता दिया जीत गया, कैसा लगा ये शो, कैसा लगा ये एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा सर। और आपने सारी टीमें सारे मैचेस के आंसर बिल्कुल सही दिए थे? जी, तभी 80 पॉइंट्स हैं तभी जीता। चलिए बहुत ही अच्छा किया। इसके साथ साथ एक हमारे पास धनबाद से भी एक विजेता है, वो इस शो में अभी शामिल नहीं हो पाए आज। बहुत बहुत मुबारक हो आप ही दोनों को। ये है ABP News, आपको रखे आगे।